बीजेपी प्रत्याशी ने चुनावी प्रचार में झोंकी ताकत। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मैनपुरी में तृतीय चरण के मतदान के अंतर्गत आगामी 20 तारीख को वोटिंग प्रक्रिया होगी। हालांकि आज से मतदान की तारीख में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके लिए हर पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना पूरा दम चुनावी प्रचार में लगा दिया है। समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बात करें इस बार के चुनावी घमासान की तो सदर सीट से बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी जयवीर सिंह माने जा रहे हैं। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए जयवीर सिंह ने अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसके अंतर्गत वो लगातार क्षेत्र में मीटिंग ले रहे हैं और चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी जनसभाओं में उनको सुनने के लिए लगातार लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक ऐसी चुनावी जनसभा मैनपुरी के ग्राम खर्रा में मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिपिन कठेरिया के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने शिरकत की। उनको सुनने के लिए काफी अधिक संख्या में लोग पहुंचे। यहां उनका जोरदार तरीके से फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील जनता से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में सभी का ध्यान रखा गया है और इस बार सदर सीट पर यहाँ का किला ध्वस्त होगा। मैनिफेस्टो में कुछ कोई भी समाज का अंग, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, व्यापारी हो, हरेक को पूर्णतः लाभ देने का, पूर्णतः विकास के युक्त करने का ये संकल्प पत्र है। पूरे प्रदेश के लिए लोक कल्याणकारी साबित होगा, इससे जनता अभिभूत है और पूरे प्रदेश की जनता का व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को मिला। सदर सीट पे जिस तरीके की आपको भीड़ आपके चुनावी अच्छे देखने को मिल रही है, इसमें क्या कहेंगे? मैं ध्वस्त, किला ध्वस्त, समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त, भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा। 10 तारीख को चारों के चारों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें लेकर के हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।